नमस्कार, मैं नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है 12 दिनों के बाद रिलीज ऑर्डर कल जारी कर दिया गया था और अब लालू प्रसाद यादव की रिहाई हो चुकी है। दिल्ली एम्स से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस हार्ड कॉपी का इंतजार था दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को, वो हार्ड कॉपी उन्हें दे दी गई है। कल ही रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया गया था झारखंड हाईकोर्ट की ओर से, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की रिहाई का रास्ता कल ही साफ हो गया था। आरजेडी के समर्थकों में जहां एक तरफ उत्साह है, उमंग है, जोश है, उल्लास है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट को देखते हुए परिजनों ने फैसला जो है पूरी तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दिया है। उनका कहना है कि किसी तरीके का वो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो इलाज कर रहे थे। आप बता दें, बीते 2 सालों से उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद मकर संक्रांति के बाद, इस साल जनवरी माह में मकर संक्रांति के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और आखिरकार 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई थी दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में। आपको बता दें, दिसंबर 2017 से ही लालू प्रसाद यादव जेल में है, सजाता है, जिसके कारण वह कई सालों तक अपनों से दूर रहे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव अपनों के काफ़ी करीब आ गए हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार में खुशियां वापस लौट आई हैं। एक तरफ जहां तस्वीरें दिखा रहे होंगे, 10 अक्टूबर रोड, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास, ये वो आवास है जहां पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की अभी पटना आने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल वो बिहार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा सेवा जो है वो दिल्ली में बेहतर उन्हें मिल सकती है, ऐसा उनके परिजनों का मानना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली में ही मौजूद हैं, दिल्ली के एम्स अस्पताल में मौजूद हैं फिलहाल, जिस तरह से जानकारी निकल के आ रही है। दिल्ली के हमारे संवाददाता सौरभ राज हमें ये जानकारी दे रहे हैं पल पल की। वहीं दूसरी ओर जो खबर निकल के आ रही है, फिलहाल लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आएंगे। उनकी रिहाई के जो ऑर्डर्स हैं वो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को भिजवा दिए गए हैं। कल ही ईमेल के द्वारा सॉफ्ट कॉपी दे दिया गया था, जिसके बाद जो रांची के होटवार जेल के अधीक्षक हैं हामिद अंसारी, उनकी ओर से साफ कह दिया गया था कि लालू प्रसाद यादव अब हमारे कैदी नहीं हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो मुक्त हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है और अब हार्ड कॉपी भिजवाने की जो औपचारिक प्रक्रिया थी वो भी पूरी कर ली गई है। लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से रिहा हो चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि फिलहाल वह दिल्ली ही रहेंगे, पटना नहीं आएंगे, बिहार नहीं आएंगे। हाँ, हम उम्मीद जता सकते हैं कि मई माह के अंतिम कुछ दिनों में वो आ सकते हैं या जून में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार आने की कोई स्थिति जो है नहीं बन रही है। हालांकि कई जगह पर खबरें ये चल रही हैं कि वह मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। दिल्ली स्थित जो मीसा भारती का आवास है, वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी बड़ी बेटियां हैं, उनके आवास पर रहेंगे, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां उनके समर्थकों में जोश उत्साह दिख रहा था, वहीं दिल्ली एम्स में मौजूद लालू प्रसाद यादव रिहा हो चुके हैं, उनकी खुशियाँ बढ़ चुकी हैं। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए परिवार वालों की ये सलाह है कि अब डॉक्टर्स जैसा कहेंगे, जैसा डॉक्टर इजाज़त देंगे, जैसा वो कहेंगे सेहत को देखते हुए, वैसे ही कदम उठाए जाएंगे। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।